हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है सेंट्रल बैंक सप्लायर ऑफ मनी। सो इसका मतलब ये है कि आज के डेट में जो पैसा सप्लाई होता है और जो पैसा क्रिएट होता है ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होता है। हर एक कंट्री में जो है सेंट्रल बैंक जो है वही पैसा सप्लाई करता है इकोनॉमी में, और जो पैसा जो सप्लाई करते हैं ये मोस्टली जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी होता है, सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसके थ्रू ये जो है पैसा सप्लाई करते हैं। और जो पैसा जब वो सप्लाई करते हैं, सप्लाई का जो वेरिएशन है कितना सप्लाई करना है, और अगर इन केस मार्केट में जो पैसा सप्लाई हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, तो ये सब जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होता है। उस मेजर्स के थ्रू जो है ये पैसा का जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करते हैं। सो आज के डेट में अगर आप देखने जाओगे तो पूरा का पूरा पैसे का जो सप्लाई है इकोनॉमी में ये पूरा का पूरा फुल कंट्रोल जो है ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है। इंडिया में जो है ये आरबीआई के हाथ में है। सो यही मैं टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता था आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।